उत्तर प्रदेश के एटा जिले से। जिले में बिना मान्यता प्राप्त और बिना रजिस्ट्रेशन के विद्यालयों का आतंक है। इन विद्यालयों में कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को शिक्षक के रूप में तैनात किया जाता है, जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। शासन का आदेश है कि बिना मान्यता के विद्यालयों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद एटा जिले में ऐसे विद्यालयों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हाल ही में जैथरा ब्लॉक के सूरजपुरा गांव में श्री बालाजी विद्या मंदिर के नाम से एक बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय की शिकायत जिलाधिकारी एटा को की गई थी। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के लिए आदेशित किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूल संचालक को मान्यता के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कहा गया है। अगर मान्यता मिल जाती है तो ठीक है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। बता दें, ये गंभीर समस्या है। सरकार को बिना मान्यता प्राप्त और बिना रजिस्ट्रेशन के विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन विद्यालयों को बंद करके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जाना चाहिए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए एटा जनपद से संवाददाता राघवेंद्र की रिपोर्ट। मैं राम भगत सिंह, सन ऑफ श्री उदल सिंह, ग्राम सूरजपुरा मजरा सरोट पवाया से बोल रहा हूँ। यहाँ इस गांव में एक तथाकथित विद्यालय श्री बालाजी विद्या मंदिर के नाम से, जो कि अभी दीवारों पर भी नहीं छपा है, 3 कोठरी 10-10 फुट की बना रखी हैं और लगभग 3-4 गाड़ी डग्गे मार चल रही हैं। एक बार गाड़ी जो है गिर गई खड्ड में, कई बच्चों को चोट आई, और लेकिन अभी तक जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर भी बंद नहीं किया है। कृपया इसमें जो है उचित कार्रवाई करें और विद्यालय को बंद कराने की कृपा करें।